आज कोल्हान विश्वविद्यालय प्रांगण चाईबासा में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उपस्थित थी। चाईबासा स्थित विश्वविद्यालय प्रांगण में आज दीक्षांत समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सह चांसलर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर आरपीपी सिंह समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। समारोह का राज्यपाल सह विश्वविद्यालय के चांसलर ने द्वीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान 1860 विद्यार्थियों को डिग्री सौंपी गई। समारोह स्थल के चारों ओर सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया गया था। अगर आप अपनी यादों को सहेज कर रखना चाहते हैं तो आप पेड़ लगाकर अपनी यादों को सहेज कर रख सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पेड़ लगाया कहाँ जाए जिससे वो सुरक्षित रह सके। जी हाँ, शहर के जुबली पार्क में एक ऐसा उद्यान है जहाँ लोग पेड़ लगाकर अपनी यादों को सहेज कर रख सकते हैं। इस उद्यान का नाम स्मृति उद्यान है। इस उद्यान में वैसे लोगों की याद में सबसे ज्यादा पेड़ लगाया जाता है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। शहर के बीचों बीच स्थित जुबली पार्क में इस उद्यान को लोग स्मृति उद्यान के नाम से ही जानते हैं। इस उद्यान में आप पेड़ लगाकर अपनों की याद को सहेज सकते हैं। अपनी यादों को सहेजने के लिए प्रति पेड़ 500 रुपया खर्च करना पड़ता है। स्मृति उद्यान में जो पेड़ लगाने आते हैं उसे शुल्क के एवज में पेड़ दिया जाता है और उनके नाम पर ये पेड़ गवाह बना रहता है। पेड़ के नजदीक एक बोर्ड लगाया जाता है जिसमें व्यक्ति अपना मनचाहा स्लोगन भी लिख सकते हैं। 3 साल तक पौधे का पूर्ण देखभाल जिसको के हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा किया जाता है। अगर इन 3 सालों में किसी कारणवश पौधा खराब या नष्ट हो जाता है तो वहां पुनः नया पेड़ हॉर्टिकल्चर सोसाइटी के द्वारा ही लगा दिया जाता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है। 3 साल तक इसलिए इन लोगों के द्वारा पौधे की देखभाल की जाती है क्योंकि ऐसा माना जाता है अमूमन पौधा 3 सालों के भीतर जमीन में अपना पकड़ बना लेता है और फिर जमीन में बढ़ने लगता है। स्मृति उद्यान एक ऐसी व्यवस्था है जो हम लोग ने जुबली पार्क में करी है। बेसिक उसका दृष्टिकोण यह है कि ये जितने भी पेड़ उस जगह पर लगे वो एक लोगों की एक मेमोरी के लिए लगता है और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के लिए और कोई ऐसा इंसिडेंट है, ऐसा कोई बहुत अच्छा कोई इवेंट हुआ हो उसके लाइफ में, उसको ध्यान में रख के ये पार्क में हम लोगों ने जुबली पार्क में एक व्यवस्था रखी है। काफी सालों से ये चली जा रही है और देखने में ये भी देखा गया है कि एक पेड़ जब व्यक्ति वहां लगाता है तो साल भर में वो स्मृति उद्यान में आता है और आकर वो पेड़ को देखता है कि पेड़ की क्या हालत है। तो यही एक उसका उद्देश्य था और जमशेदपुर के जितने भी सिटीजन्स हैं वो टाइम टू टाइम आते हैं और हमारे हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी से पेड़ लेते हैं और वहां पर पेड़ लगाया जाता है। स्मृति उद्यान में फलदार वृक्ष पीपल और बरगद के पेड़ नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो छायादार या फलदार वृक्ष हैं उसे ही लगाया जाता है। फलदार वृक्ष नहीं लगाए जाने के कारणों के बारे में बताया जाता है कि फलदार वृक्ष लगाने से यहाँ पर फलों के मौसम में लोगों की भीड़ लगने की संभावना बनी रहती है और उस भीड़ से
उद्यान में मौजूद अन्य पेड़ों को नुकसान भी हो सकता है, इस कारण वहां पर फलदार पेड़ नहीं लगाए जाते। ये मैंने अपने पिताजी हेमराज खन्ना के नाम से पौधा लगाया था और आज थोड़ा थोड़ा बढ़ के पेड़ हो रहा है और मैं पर्यावरण प्रेमी हूँ और मैं बधाई देता हूँ जिसको प्रशासन को और जिसको के पदाधिकारियों को जो पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ पर पेड़ लगाया है। और मैंने भी अपने बाप दादा के नाम से यहाँ पेड़ लगाया है। जब भी मैं जुबली पार्क आता हूँ तो इस पेड़ में दीमक खा जा रहा था, लेकिन उसे साफ किया और पानी दिया है। और मैं और लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि अपने बाप दादा के नाम से जुबली पार्क में आकर पौधारोपण करें और पर्यावरण को साफ रखने के लिए काम करें। बहरहाल स्मृति उद्यान में पेड़ों की संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण जिसको प्रबंधन ने स्मृति उद्यान का एक्सटेंशन कर एक और पार्क का निर्माण किया है जो शताब्दी पार्क के ठीक बगल में है। इस संदर्भ में जिसको कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस के हेड राजेश राजन ने बताया कि इस पार्क को बनाने का उद्देश्य ये है कि पार्कों को हरा भरा रखा जा सके और लोग अपनी यादों को सहज कर भी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पार्क में खासकर वैसे लोग आते हैं जिनके अपनों की मृत्यु हो जाती है, उनकी याद में यहाँ पर पेड़ लगाए जाते हैं। जमशेदपुर से एमजी न्यूज के लिए सुमित झा की खास रिपोर्ट। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।